জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার করা হলো কেন, আর জম্মু কাশ্মীরকে দুটো পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করার প্রয়োজনীয়তাই বা কি, জানতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টেটহুড ছিন্না কিউ ক্যা জরুরত থা, লোগো তো পেলে আজাদি লোগো কো চাইয়ে, আজাদি আগা ছিনকে লেতা হ্যায় তো সব আজাদি তো চলা যেতা হ্যায় না, এ তো দেশকে লিয়ে কোই কাম পে নেই আয়া, উপরন্ত এ দো সাল কাশ্মীর মে কোই টুরিস্ট ভি জানে নেই পায়া, আর দেশকে লিয়ে ভি এক ইজ্জত কা সওয়াল, দেশ কা বহুত বদনাম ভি হুয়া হ্যায়, জেসা ভ্যাকসিন কে লিয়ে বদনাম ভি হুয়া হ্যায়, ইসকা লিয়ে ভি হুয়া হ্যায়। ऑटोक्रेसी के लिए आज एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने आज एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स के साथ, आपको क्या लगता है क्या आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन गलत था, फिर एक बार उसे रिस्टोर कर स्टेटहुड देना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर को? मीटिंग किया जम्मू कश्मीर को लेके कर रहा है, जम्मू कश्मीर का लोगों को बुला के? नहीं, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीन्स जम्मू कश्मीर का ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या सब्जेक्ट है नहीं है मेरे को तो पता नहीं है, जब तक सब्जेक्ट मेरे को पता नहीं है तब हम कैसे बताएंगे? स्टेटहुड छीनना क्यों क्या जरूरत था? लोगों तो पहले आज़ादी लोगों को चाहिए, आज़ादी अगर छीन के लेता है तो सब आज़ादी तो चला जाता है ना, ये तो देश के लिए कोई काम पे नहीं आया, उपरंत ये दो साल कश्मीर में कोई टूरिस्ट भी जाने नहीं पाया, और देश के लिए भी एक इज्जत का सवाल, देश का बहुत बदनाम भी हुआ है, जैसा वैक्सीन के लिए बदनाम भी हुआ है, इसका लिए भी हुआ है, ऑटोक्रेसी के लिए।